इस सारे संसार में श्री राम से बढ़कर हनुमान के लिए कोई भी नहीं था। फिर भी ऐसा क्या हुआ कि हनुमान और श्री राम के बीच युद्ध होने वाला था? आइए दोस्तों, इसका जवाब जानने के लिए पढ़ते हैं पुराणों में वर्णित एक रोचक कथा के विषय में। दोस्तों, उत्तर रामायण के अनुसार अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात भगवान श्री राम ने एक बड़ी सभा का आयोजन किया और उसमें सभी देवताओं, ऋषि मुनियों, किन्नरों, यक्ष और राजाओं को आमंत्रित किया। सभा में एक राजा ने भरी सभा में ऋषि विश्वामित्र को छोड़कर बाकी सभी को प्रणाम किया। इस कारण ऋषि विश्वामित्र गुस्से से भर उठे और उन्होंने भगवान श्री राम से कहा कि अगर सूर्यास्त से पूर्व श्री राम ने उस राजा को मृत्युदंड नहीं दिया तो वे श्री राम को श्राप दे देंगे। इस पर श्री राम ने उस राजा को सूर्यास्त से पूर्व मारने का प्रण ले लिया। श्री राम के प्रण की खबर पाते ही राजा भागा भागा हनुमान जी की माता अंजनी की शरण में आ गया तथा बिना पूरी बात बताए उसने माता अंजनी से प्राण रक्षा का वचन मांग लिया। तब माता अंजनी ने हनुमान जी को राजन की प्राण रक्षा करने का आदेश दे दिया। हनुमान श्री राम की शपथ लेकर कहने लगे कि कोई भी राजन का बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। परंतु जब राजन ने बताया कि भगवान श्री राम ने ही उनके वध करने का प्रण ले लिया है तो हनुमान जी धर्म संकट में पड़ गए कि राजन की प्राण रक्षा कैसे करें और माता को दिया वचन कैसे पूरा करें तथा भगवान श्री राम को श्राप से कैसे बचाएं। एक समय तो ऐसा आ गया कि हनुमान जी सोचने लगे कि वे पूरे बल के साथ युद्ध करके श्री राम को रोक लेंगे। लेकिन श्री राम को रोक भी लिया तो श्री राम को ऋषि विश्वामित्र के श्राप का सामना करना पड़ेगा। इस कारण महाबली हनुमान ने युद्ध का विचार त्याग दिया और वे मन में श्री राम का ध्यान करते हुए और भी एकाग्रता से सोचने लगे। तब धर्म संकट में फंसे हनुमान जी को एक योजना सूझी। हनुमान जी ने राजन को सरयू नदी के तट पर जाकर राम नाम जपने के लिए कहा। हनुमान जी खुद सूक्ष्म रूप में वहां छिप गए। जब राजन को खोजते हुए श्री राम सरयू तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजन राम नाम का जप कर रहा है। प्रभु श्री राम ने सोचा, ये तो भक्त है, मैं भक्त के प्राण कैसे ले सकता हूँ। तो श्री राम ने राजभवन लौटकर ऋषि विश्वामित्र से अपनी दुविधा कही, लेकिन विश्वामित्र अपनी बात पर अड़िग रहे। इस कारण श्री राम को फिर से राजन के प्राण लेने हेतु सरयू तट पर लौटना पड़ा। हनुमान जी जानते थे कि राम नाम जपते हुए राजन को कोई भी नहीं मार सकता, स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी नहीं। सरयू तट पर वापिस आकर श्री राम ने राजन को मारने हेतु शक्तिमान निकाला। तब हनुमान जी के कहने पर राजन राम राम जाप करने लगे। राम जानते थे कि राम जपने वाले पर शक्तिमान असर नहीं करता और वे असहाय होकर राजभवन लौट गए। विश्वामित्र उन्हें लौटा देखकर श्राप देने को उतारू हो गए। इस कारण राम जी को फिर से सरयू तट पर आना पड़ा। इस बार राजा हनुमान जी के इशारे पर जय सियाराम जय हनुमान गा रहे थे। प्रभु श्री राम ने सोचा कि मेरे नाम के साथ साथ राजन शक्ति और भक्ति की भी जय बोल रहा है, ऐसे में कोई अस्त्र शस्त्र इसे मार नहीं सकता। इस संकट को देखकर श्री राम मूर्छित हो गए। जब ये बात विश्वामित्र को पता चली तो वे समझ गए कि श्री राम चाहकर भी राम नाम जपने वाले को मार नहीं सकते, क्योंकि जो बल राम के नाम में है वो स्वयं राम में भी नहीं। संकट बढ़ता देखकर ऋषि विश्वामित्र ने श्री राम को संभाला और अपने वचन से मुक्त कर दिया। इस प्रकार महाबली हनुमान जी ने राम नाम के सहारे स्वयं श्री राम को भी हरा दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी प्लीज हमें कमेंट में बताइए। वैसे इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।